यह कहानी हाथियों की है। कहानी का घटनास्थल एक सुंदर द्वीप है जो सिलोन अर्थात श्रीलंका के नाम से पहचाना जाता है। श्रीलंका हाथियों का देश है। सब लोग उस विशेष दिन की ओर देखते हैं जब जुलूस निकलता है और हाथियों के मालिक अपने सबसे अच्छे हाथी को उस जुलूस में चलाते हैं। हाँ, यह कहानी हाथियों के बारे में है, खासकर एक हाथी और उस लड़के के विषय में जो उस हाथी का विशेष मित्र बना। अनिल संसार की दूसरी वस्तुओं से अधिक अपने लिए हाथी चाहता था। वह इन बड़े प्राणियों से प्रेम करता था। वह उनसे बातें भी करना जानता था। वह निश्चित था कि वे भी उससे बातें करते हैं। अनिल के पिताजी एक बड़े बाग के मैनेजर थे। उनके सारे वर्ष की कमाई इतनी भी न थी कि वे एक बूढ़े हाथी को भी खरीद सकें। इस कारण अनिल का अपना हाथी होना अशक्य था। उस बाग के बड़े मकान में रहने वाले श्री रत्ना ही केवल हाथियों को खरीद सकते थे। वह बाग उनका था। उनके पास कई हाथी थे जिनसे वे बाग में काम कराया करते थे। श्री रत्ना का एक पुत्र था जिसका नाम सोमा था। अनिल सोमा को बिल्कुल न चाहता था और ना ही सोमा अनिल को। अनिल दूसरे बच्चों के साथ कभी न खेलता था। उसे अपना समय हाथियों के साथ बिताना ही अच्छा लगता था, लेकिन अधिकतर इन हाथियों की आवश्यकता काम के लिए होती थी और अनिल को उनके साथ रहने का हुक्म न था। इस कारण अनिल एक आनंदित लड़का न था, लेकिन उसकी बहन शांति बिल्कुल अलग थी। शांति का जीवन आनंद से भरा हुआ था। इसका कारण था कि शांति एक सच्ची और आनंदी मसीह थी। चाहे अनिल अपने बहन को बहुत चाहता था, शांति का हर समय बाइबल पढ़ना और उसके वचन कंठस्थ करना उसे न भाता था। उदाहरण के लिए, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनिल सोमा के सिवाय और किसी बात से चिंतित न था, जो सदा अपने मित्रों के साथ उसे छेड़ने का मौका ढूंढता था।
एक दिन जब अनिल का मन सोमा और उसके मित्रों के लिए कड़वाहट से भरा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ जिससे अनिल का जीवन एक नए आकर्षण और उत्साह से भरने वाला था। यह श्री रत्ना के हाथियों में से एक न था, ना ही आसपास के इलाके के किसी और बाघ का प्राणी था। वह एक जंगली हाथी था। अनिल ने सोचा शायद वह उसे पालतू बना सके। दूसरे जंगली हाथी अपने बीमार साथी की ओर चिंता से देख रहे थे। अनिल ने उनको भगाने का निश्चय किया। किसी लड़के के लिए यह करना खतरनाक था, परंतु वह इस बीमार हाथी को अपने लिए चाहता था। माँ ने अनिल से पूछा, क्या हुआ? माँ, मैंने एक जंगली हाथी पाया है, वह बीमार है, उसे पानी चाहिए। शांति ने पूछा, क्या मैं तेरी सहायता करूं? शांति, अनिल संभल के, माँ ने चेतावनी दी। Thank you.
सोमा ने जो कुछ जंगल में देखा था अपने पिता को बताया। वह जानता था कि अनिल वह हाथी अपने लिए चाहता है, परंतु वह यह भी जानता था कि जिस जगह वह बीमार हाथी पड़ा है उसके पिता की है। वह बहुत अच्छा है, शांति ने कहा। तो तूने जंगली हाथी पाया है, क्या यह खतरनाक नहीं? पिता ने कहा। पिताजी, वह बिल्कुल पालतू है। वह जानता है कि हम उसकी सहायता कर रहे हैं। वह मेरा हाथी है, मैंने उसे पाया है। हमने उसका नाम राजा रखा है, शांति ने कहा। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि मेरे बाग में एक भटका हाथी है। श्री रत्ना, अनिल ने उसे पाया है, पिताजी ने कहा। सोमा ने मुझे बताया है, परंतु हाथी तो मेरी बाग में पाया गया है और इस कारण वह मेरा है। परंतु क्या वह हाथी मेरे लड़के का नहीं? पिताजी ने कहा। आप सोचते हो कि मैं उसे इनाम दूं? वह हाथी करीबन 15,000 रुपयों का होगा। मैं प्राणियों के वैद्य को बुलाता हूँ। अगर हम उस हाथी को पालतू बना सकें तो वह मेरे लिए बड़ा मूल्यवान होगा, श्री रत्ना ने कहा। और वह हाथी मेरा है। पिताजी, वह मेरा है, मैंने उसे पाया है, अनिल ने कहा।
अनिल के मन में क्रोध और निराशा का तूफान जाग उठा। क्यों उसका घराना इतना कंगाल रहे? क्यों सोमा के पास सब अच्छी बातें हों और उसके पास इतना कम? उसके मन में इच्छा हुई कि भला हो कि वह हाथी मर जाए, परंतु वह उस हाथी से बहुत प्रेम करता था। इस कारण राजा को भला चंगा करने के लिए उससे जो भी हो सका उसने किया। राजा सज्जन ही बना रहा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होते रहा, और अनिल के प्रेम और देखभाल के कारण अपने नए मित्र को बहुत चाहने लगा। तू मेरा हाथी है, अनिल बार बार फुसफुसा रहा था। तू मेरा है। हाँ, सोमा तो सोचता था कि हाथी उसका है, परंतु यह स्पष्ट था कि राजा बाग के मालिक के पुत्र की बिल्कुल परवाह न करता था। अनिल ही उसका मित्र था। चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, अनिल का विश्वास था कि राजा उसका था और श्री रत्ना का नहीं। क्यों नहीं श्री रत्ना बाग के मैनेजर हों और अनिल के पिता उस बाग के मालिक, अनिल सोच रहा था। श्री रत्ना खुश थे कि अनिल राजा के लिए इतना ध्यान रखता है, क्योंकि वे चाहते थे कि वह हाथी बिल्कुल पालतू बन जाए ताकि उस बाग में उसे मजदूर की नाई काम में ला सके। अनिल का मन और दिल राजा के विषय प्रेम से इतना भरा था कि घर में उसे प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का भी ध्यान न रहा। बाइबल पाठशाला पर भी उसका ध्यान न रहा। जब शिक्षक बाइबल की दिलचस्प कहानियां बताते, उसका मन भटक कर राजा के विचार करने लगता। उस हाथी को चालाकी के खेल सीखते देख आरंभ में श्री रत्ना का ध्यान विशेष आकर्षित न हुआ। वह इससे प्रसन्न थे कि अनिल के देखभाल और सिखाने से हाथी कितना आज्ञाकारी हो चुका था। अनिल, जो एक समय बड़ा होशियार विद्यार्थी था, अभ्यास से सब आकर्षण खो बैठा था। घंटों वह राजा के विषय सोचते बैठा रहता था। राजा कितना अच्छा हाथी था। वह हाथी उसका न हो
यह कितनी क्रूर बात। अच्छा प्राणी है ना अनिल, चाहे हाथी मेरा है तो कह सकता है कि वह तेरा भी है, श्री रत्ना ने कहा। माँ ने अनिल से कहा, मैं आज तुझे देख रही थी, राजा को तूने कई बातें सिखाई हैं, श्री रत्ना को भी मैंने कई लोगों से बोलते हुए सुना है। उनका विचार है कि राजा बाघ का सबसे अच्छा हाथी है। माँ, राजा मेरा है, वह मुझे मिला था। नहीं अनिल, राजा तेरा नहीं है, राजा श्री रत्ना का है, माँ ने कहा। अनिल, तूने पाठशाला का अभ्यास किया है क्या? क्या पूरे समय तू राजा के बारे में सोचता रहता है? एक पर्यटन प्रतिनिधि ने, जिसने अनिल को अपने हाथी के साथ खेलते हुए देखा था, श्री रत्ना से पूछा कि क्या वह कुछ लोगों को बाग में ला सकता है। श्री रत्ना ने हुक्म तो दे दिया लेकिन उस पर अधिक ध्यान न दिया। दिन प्रतिदिन उस लड़के और हाथी के मध्य जो प्रेम था बढ़ता ही गया। कई बार जब वे घूमने जाते, अनिल को लगता था कि वह राजा को उसका कर उसके साथ भाग निकले और वापस न लौटे। लेकिन अनिल अपने कुटुंबियों से इतना प्रेम करता था कि भागने के विषय वह विचार न कर सकता था। उसके माता पिता ने जैसे वर्षों पहले किया था और उसके बहन ने भी किया था, वैसे अनिल ने अपना दिल प्रभु यीशु के लिए न खोला था। वह जानता था कि यह बातें लोगों के जीवन में जब वे स्वार्थी और द्वेषपूर्ण होते हैं और उनके दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता, कितना बदल लाती हैं और उनके कुटुंब और घरों को बदल देती हैं। सोमा की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। एक दिन वह पिता के पास आकर उनसे विनती करने लगा कि वे अनिल के पिता को निकाल दे और बाग के लिए किसी नए मैनेजर को नियुक्त करें। श्री रत्ना अपने बेटे को प्रसन्न रखना चाहते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन यह बात कठिन थी। उन्होंने सोमा को बताया कि एक बार पैसों को गिनते समय अनिल के पिता ने एक बड़ी भूल पाई थी। वे आसानी से इन पैसों को अपनी जेब में डाल सकते थे और किसी को पता न लगता था, परंतु इसके बदले वे श्री रत्ना के पास आए और उन्हें यह सूचना दे दी। उन्होंने सोमा को यह भी याद कराया कि कैसे अनिल के पिताजी बाग के मजदूरों पर नियंत्रण रखते थे। जब कभी भी उनमें हलचल मचती थी, अनिल के पिता उन्हें शांत कराकर काम पर वापस भिजवा देते थे। इसमें कोई शंका न थी कि अनिल के पिता देश में सबसे अच्छे बाग मैनेजर थे। सोमा, वह बहुत अच्छा मनुष्य है, मुझे उसकी आवश्यकता है। उनके बदले दूसरा ढूंढना अशक्य तो नहीं, परंतु बहुत कठिन होगा। पिताजी, राजा मुझे दे दो। अनिल से कह दो कि अब वह इस हाथी से न खेले। राजा, क्या तू पर्यटकों के लिए अनिल जैसे उस हाथी से खेल करा सकेगा? हाँ पिताजी, मैं करा सकता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अनिल, राजा के पास से हट जाओ, यह मेरे पिताजी का हुक्म है। सोमा राजा का शिक्षक होने पर जब पहली बार पर्यटक आए तो यह साफ था कि उनके लिए कोई आकर्षण न रहा था। राजा अपना एक भी खेल न कर रहा था। लोगों को देखने के लिए वह केवल एक दूसरा हाथी था। एक दिन राजा इतना हैरान हो गया कि उसने सोमा को उठा लिया और उसे नीचे रखने से इनकार कर दिया। श्री रत्ना पुकारने लगे, अनिल अनिल, जल्दी आकर सहायता करो।
एक दिन पर्यटकों में एक नया व्यक्ति आया। अनिल ने उसका कुछ ख्याल नहीं किया। जैसे सोमा के दिल में ईर्ष्या थी, वैसे ही अनिल के मन में भी अभिमान पैदा हुआ। अनिल जानता था कि श्री रत्ना को उसकी आवश्यकता है। उसने सोचा, बाग में सबसे महत्वपूर्ण लड़का कौन है, यह सोमा को दिखाने के लिए यह ठीक समय है। शांति ने कहा, अनिल राजा पर तो बहुत अच्छा नियंत्रण रखता है। यह एक विशेष गुण है जो परमेश्वर की एक भेंट है। आज मैंने एक नया वचन सीखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अनिल, अभिमान पाप है और जो हमसे निर्दय हैं उनका द्वेष करना एक भयंकर पाप है। अनिल के बाइबल पाठशाला के शिक्षिका ने एक विशेष सबक दिया। उसने बताया कि कैसे लोगों के मन में विविध पाप होते हैं, अभिमान, द्वेष, स्वार्थ। इस बात से शांति ने कही हुई बात अनिल को याद आई। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा, लोग अपने पापों को ढकना चाहते हैं परंतु परमेश्वर हर एक के दिल को देखता है। उसके शब्दों से अनिल अशांत हो उठा। राजा श्री रत्ना के लिए बहुत पैसे कमाता है, शांति ने कहा। एक दिन जब अनिल पर्यटकों के झुंड के लिए खेल करा रहा था, वही नया व्यक्ति वापस लौटा। वह यूरोप के प्रसिद्ध प्राणी संग्रहालय से था। उसका काम था संग्रहालय के लिए प्राणियों को खरीदना। वे सीखे हुए प्राणियों की खोज में था और उसने राजा के बारे में सुना। उसके मन में कोई शंका न थी कि यह प्राणी संग्रहालय का बड़ा आकर्षण होगा। उसने एक अच्छा मूल्य लगाया और कुछ ही समय में श्री रत्ना उसे बेचने तैयार हो गए। श्री रत्ना ने राजा को बेच दिया, अनिल ने कहा। वे उसे नहीं ले जा सकते, हमें आज रात को उसे चुराना होगा। चोरी करना पाप है, शांति ने कहा, वह मेरा हाथी है। मुझे दुख है। परमेश्वर तेरी भावना को जानता है अनिल। प्रभु यीशु को तेरे दिल में ले। बाइबल कहती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अनिल सो न सका। दूसरे दिन सुबह राजा को बंदरगाह ले जाने वाले थे। वहां यूरोप जाने वाले जहाज में उसे चढ़ाया जाएगा। राजा बहुत अशांत था। ऐसे लगता था कि उसे भी पता चल गया है कि क्या होने वाला है। अनिल अपने मित्र को खोने के विचार सहन न कर सकता था। नहीं, राजा किसी भी रीति से जहाज पर नहीं चढ़ना चाहिए। हाथी गायब है, आपके लड़के ने उसे चुराया होगा। अनिल तो सोया हुआ है, मां ने कहा।
श्री रत्ना जानते थे कि उनके पास समय न था। जब तक राजा जहाज पर न चढ़े उन्हें पैसे पूरे न मिलेंगे। जंगल में अनिल हाथी को छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। वह जानता था कि जल्द ही लोग उसे और हाथी को ढूंढने निकलेंगे। वह चाहे अपने हाथी को छिपाने का बहुत प्रयत्न कर रहा था, राजा उन जगह रहने तैयार न था जहां अनिल उसे छिपा रहा था। वह प्राणी समझ न सकता था कि क्यों उसे अपने मित्र से अलग होना है। राजा गया, मैं जानती हूँ, मुझे दुख होता है, माँ ने कहा। मैं अपने हाथी को फिर न देखने पाऊंगा। जीवन में कई निराशा आती हैं, माँ ने कहा, परंतु अगर हमने परमेश्वर से मांगा तो वह हमारी निराशाओं के भले चित्र को देखने में सहायता करेगा, परंतु पहले हमें उसके पुत्र यीशु के द्वारा उसके पास आना है। शांति ने कहा, हो सकता है कि राजा प्राणी संग्रहालय में आनंदित रहे। माँ ने कहा, जिस सुंदर सबक को तूने सीखा है उस पर विचार कर। तूने राजा को छिपाने का प्रयत्न किया परंतु तू सफल न रहा। एक और बात है जिसे तू छिपा नहीं सकता। हाँ बेटे, हाथी को छिपाना तो आसान है, राजा जैसे बड़े हाथी को भी, परंतु अपने आप के पाप को तू छिपा नहीं सकता। बाइबल कहती है, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। राजा को खोना एक बड़ा नुकसान है, तेरे पिताजी को और मुझे दुख होता है, परंतु तेरा इससे बड़ा नुकसान हो सकता है या तेरे प्राण की हानि है। जब तू प्रभु यीशु को तेरे पाप क्षमा करने नहीं कहता और अपने दिल में नहीं लेता ताकि वह तुझे एक नई व्यक्ति बनाए। हाथी के बिना अनिल को बहुत सुना लगता था। वह सोचता था, क्या परमेश्वर ने दंड के रूप में श्री रत्ना को हाथी बेचने दिया? यदि वह अपने बहन शांति और माता पिता जैसे मसीह होता तो हो सकता है कि प्राणी संग्रहालय का मनुष्य शायद न आता। पिताजी जो कुछ बाइबल से पढ़ते थे उनके विषय वह सोचने लगा। वही बातें जिन्हें उसने बाइबल पाठशाला में सीखी थी और गिरजे में पादरी साहब से भी सुना था। उसी दिन अनिल ने एक बुद्धिमानी की बात की। उसने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी और परमेश्वर को बताया कि वह शांति, माता पिता और दूसरे बच्चों जैसे मसीह बनना चाहता है, और चुपचाप से परंतु सच्चाई से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आने का न्योता दिया। परंतु दूसरे दिन सुबह तक उसमें हिम्मत न थी
कि अपने कुटुंबियों को बताए कि क्या हुआ। वह हर समय याद रखेगा कि इससे वह कितना आनंदित हुआ। इस आनंद में राजा के खोने का दुख भी वह भूल गया। क्या इसमें भी तेरा हाथ है? श्री रत्ना ने पूछा। प्राणी संग्रहालय का मनुष्य अभी अभी बाग में आया था। रात के समय राजा भाग निकला था। दूसरे प्राणियों को उन्हें जहाज पर चढ़ाना पड़ा और बिना राजा के वे चल दिए। अनिल सोच न सकता था कि क्या हुआ। श्री रत्ना बता रहे थे कि किसे पता नहीं कि वह हाथी का, परंतु एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। श्री रत्ना ने कहा, सोमा शायद मैं मूक था। प्राणी संग्रहालय के मनुष्य ने जो मोल दिया, राजा उससे अधिक मूल्यवान है। वह एक अच्छा मजदूर है और पर्यटकों से बहुत पैसे कमाएगा। अनिल के दिल में प्रेम पैदा हुआ, सोमा के लिए प्रेम। यह प्रेम प्रभु यीशु ने उसे दिया। उसके बहन ने जो कहा था वह सच निकला। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर को दिखाएगा कि वह कितना धन्यवादी है। वह प्रयत्न करेगा कि वह अभिमानी और स्वार्थी न हो, सोमा जैसे लोगों के लिए भी जिससे वह द्वेष करता था। अनिल के जीवन का बदल साफ था। जैसे बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई।